देखे जो पिछला वीडियो कर दो सर। आप सभी का आरसीआई एज हब ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आपने पिछली कक्षाओं के अंदर भाषा, भाषा के प्रकार, भाषा के क्षेत्र, लिपि, लिपि की विशेषताएं, व्याकरण से संबंधित कुछ जानकारियां ली थी। उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए आपने अगली कक्षाओं के अंदर कुछ पढ़ा कि वे किस प्रकार से पद परिचय से संबंधित जानकारी थी, अलंकार से संबंधित जानकारी थी, शब्दार्थ से संबंधित जानकारी थी। ये सब चीज़ें आपने व्याकरण के अंदर पढ़ चुके हैं। आपका जो पाठ्यक्रम था सृजन बुक के अंदर कबीर वाला अध्याय आपने कंप्लीट पढ़ लिया था। पद्य भाग में 9 लेसन थे, 9 लेसन आपने पढ़ लिए थे। 19 लेसनों में से कुछ एक बच्चों की सूरदास वाले से संबंधित कुछ समस्याएं थी। आज उसी टॉपिक को हम उठा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास का परिचय सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी कवि या लेखक का परिचय दीजिए, साहित्यिक परिचय दीजिए, ऐसे सवाल पूछता है। तो सबसे पहले आप जब परिचय देते हैं तो परिचय देते वक्त आपको उसके जन्म, मृत्यु, उसकी रचनाएं, उसके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ध्यान ये रहे कि आप जब परिचय दे रहे हैं तो उस समय अशुद्धियों का विशेष ध्यान रखें, जो उनकी रचनाएं हैं उनको ठीक से याद कर लें। उसी को आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सो देखिए किस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपने सूरदास का टॉपिक उठाया है। सूरदास के बारे में जो परिचय दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जन्मांत अंधे थे। ये तो कोई प्रमाण नहीं है कि वे जन्मांत अंधे थे या बाद में प्रमाण मिला, ऐसा कोई भी नहीं है कि वो जन्मांत अंधे थे। पहले की बुकों के अंदर दे रखा था कि भाई जन्मांत अंधे थे। अभी कुछ दिन पहले 10वीं की बुक के अंदर ये दिया गया कि सूरदास 6 वर्ष तक अंधे नहीं थे, उसके पश्चात वे एक कुएं में गिर जाते हैं। कहीं जा रहे थे तो उस समय कुएं में गिर जाते हैं। कुएं में गिरने की वजह से वहाँ से उन्हें कोई निकाल नहीं पाया, वे वहीं श्री कृष्ण को याद करने लग गए, श्री कृष्ण की भक्ति मन से कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का नाम लेने से उन्हें भूख प्यास कुछ नहीं लगी। 6 दिन तक उस कुएं में पड़े रहे। अंततः 6ठे दिन कृष्ण भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कहते हैं कि मांगिए, सूरदास क्या मांगना चाहते हो आप? जब भगवान ने उनसे कहा कि बोलिए आप क्या चाहते हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ सूरदास जी को। उन्होंने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो सुनिए, ये संसार जो है ये स्वार्थी संसार है, इस संसार को मैं नहीं देखना चाहता, इसमें स्वार्थी स्वार्थ भरा है, इस संसार से मैं आंखें खोना चाहता हूँ ताकि मैं इस संसार को नहीं देख पाऊँ। जब उन्होंने ऐसा कहा, भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि सभी अपने लिए कुछ मांगते हैं पर ये तो जो कुछ है उसको भी खोना चाहते हैं कि जो ये आंखें हैं यही नहीं होनी चाहिए मेरे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा ऐसा ही होगा। उस समय से इनकी आँखें गायब हैं। इन्हें ऐसा कहा जाता है कि हृदय उजाला अर्थात आंतरिक दिखाई देता था इन्हें। अब ये कितना सत्य है ये कोई प्रमाणिक प्रमाण नहीं है, फिर भी इनके बारे में जो आपको जानकारी दी ये कुछ बुकों से प्राप्त की वो बताइए आपको। आज हम उन्हीं के बारे में, जन्म के बारे में भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ लोग उनका जन्म कुछ आंकते हैं, अलग अलग राइटरों के द्वारा अलग अलग जन्म दिखाया गया है। सभी बुकों से जांचने के पश्चात जो प्रामाणिक है, आरपीएससी के द्वारा जिसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया गया है,
उसी जन्म की बात हम यहाँ करते हैं। उनका जो जन्म हुआ वह सन 1478 ईस्वी में, ये 105 वर्ष जीवित रहे। इस प्रकार इनका 1583 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गया। यदि हम बात करें हिंदी महीनों की, विक्रम संवत की, तो 1535 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1640 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। 57 वर्ष का अंतर होता है दोनों में, हिंदी महीनों में से सन को घटा, सन को जांचने के लिए 57 वर्ष घटा लीजिए, आपके पास सन है आ जाएगा। यदि हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इनकी जो प्रामाणिक रचनाएं हैं वे तीन रचनाएं मानी जाती हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इस प्रकार से तीन प्रामाणिक रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं भी इनकी मिलती हैं मगर उनके कोई ठोस प्रमाण नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है, अपनी रचनाओं के अंदर कृष्ण भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है। सो आपको यहाँ दिखाया गया है कि 1,25,000 दोहे रचे गए हैं, सूर सारावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में भी क्लिष्ट दोहे रखे गए हैं जिनका अर्थ अलग अलग राइटरों ने अलग अलग बिहारी के दोहों की भांति दिखाने की कोशिश की है। तीन रचना इनकी प्रामाणिक हैं। एक जो इनकी रचना है भ्रमर गीत सार, जो जिसके अंदर वियोग श्रृंगार रस की स्थिति दर्शाई गई है। कृष्ण भगवान के जन्म के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि 0 वर्ष के अंदर इनका जो जन्म हुआ वह मथुरा, 0 वर्ष के अंदर इनका जो जन्म हुआ वह मथुरा की जेल में हुआ। और इसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि जन्म के साथ ही इससे पहले कंस के लिए आकाशवाणी हो चुकी थी कि हे दुष्ट, पापी, अन्यायी, अत्याचारी, तेरा विनाश करने वाला तेरी बहन की कोख से 8वीं संतान होगी। ऐसा जब कंस ने सुना तो कंस ने अपनी बहन और अपने जीजाजी दोनों को जेल में डाल दिया। उस समय जितने भी बच्चे हुए उन सभी को मारता चला गया। होनी को कौन टाल सकता है। समय आया, कृष्ण भगवान ने जेल के अंदर ही 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। जैसे ही कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही उनके द्वार खुल जाते हैं। वसुदेव बाबा उसको टोकरी में बिठा करके और यशोदा के पास, नंद बाबा के पास पहुंचाते हैं। उधर नंद बाबा की एक लड़की हुई थी, उसको लेकर के आते हैं उसी यमुना नदी से होते हुए। जैसे भी वापसी आते हैं, आने के पश्चात उन्हें द्वार बंद हो जाते हैं। बालिका के रोने की आवाज़ आती है, कंस को पता चलता है। कंस उसे लेकर के उसके दो टुकड़े करना चाहता है, पांव के नीचे पांव रख के और दूसरे को दो टुकड़े जब करना चाहता था उसके हाथ से छिटक जाती है बालिका और आकाशवाणी होती है कि कंस तेरा विनाश करने वाला तो पैदा हो चुका है। ऐसा माना जाता है 0 वर्ष मथुरा के अंदर, फिर इसके पश्चात 6 वर्ष तक की आयु में कृष्ण ने अनेक लीलाएं की, चाहे वो पूतना को खत्म करने का हो, अनेक राक्षसों का उन्होंने अंत किया, अनेक लीलाएं उन्होंने दिखाई। छोटी सी आयु के अंदर जब इन्होंने इस प्रकार की लीलाएं दिखाई तो संपूर्ण ब्रज मोहित हो गया इन पर, इनको भगवान समझने लग गया। और इसके पश्चात 6 वर्ष तक ये लीलाएं दिखाते हैं, 0 से 6 के वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक ये रास लीलाएं रचते हैं। रास लीलाओं के अंदर गोपियों के साथ नृत्य करना, ब्रजवासियों को रिझाना, नृत्य करवाना, गायों के साथ खेल खेलना, उनका दूध दोहना, ये सारी क्रियाएं उनकी आ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही 12 वर्ष की उम्र हुई उनकी, तो 12 वर्ष की उम्र के पश्चात अक्रूर मथुरा के लिए लेने के लिए आता है कृष्ण को। कृष्ण का जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ था उस उद्देश्य के लिए वे जाना चाह रहे हैं, संपूर्ण ब्रजवासियों ने रोकना चाह रहे हैं। राधा भी उन्हें रोकने के लिए पहाड़ी के ऊपर चली जाती है, अनु ने विनय करती है लेकिन कृष्ण नहीं रुकते हैं, वे जा रहे हैं। जो 12वें वर्ष का अंतिम दृश्य दिखाया जाता है जाने से पहले का,
वो दृश्य ये होता है कि जब वो गोपियां नदी के अंदर स्नान कर रही होती हैं, उस समय कृष्ण बांसुरी वादन कर करके और कदम के पेड़ में बैठे हुए उनके वस्त्र हरण करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि कृष्ण ने ये गलत किया, लेकिन कृष्ण ने गलत नहीं, ये ठीक किया। भागवत गीता के 10वें स्कंद के 53वें श्लोक में आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान ने अहीर जातियों की बालिकाओं के द्वारा उस नदी के अंदर निर्वस्त्र स्नान करने से संबंधित जो समाज की धारणाएं थी, उन धारणाओं को दूर करने के लिए इन बालिकाओं के वस्त्र हरण किए थे। ऐसा आज हम भी करेंगे यदि हमारे सामने हो तो। कृष्ण ने बहुत अच्छा किया था। प्यारे विद्यार्थियों, अक्रूर आया लेकर के उन्हें चला गया और जाने के पश्चात गोपियां उनके लिए किस प्रकार से वियोग में जल रही हैं, संपूर्ण प्रकृति वियोग में जल रही है, चाहे गाय हो, चाहे गोपियां हो, चाहे ग्वाल हो, संपूर्ण प्रकृति उनके वियोग में किस प्रकार से जलती है। उसी जलती हुई स्थिति के अंदर वे अपने पत्र लिखती हैं। जब इतने पत्र लिख डालती हैं कि कुएं पे कुएं भर गए, कूप पे कूप भरे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उसी समय कृष्ण भगवान और उद्धव दोनों साथ बैठे हुए थे। तो जब बैठे हुए थे उस समय कृष्ण ने उद्धव को अपने प्रेम प्रसंग के बारे में बताया, गोपियों के बारे में, किस इस प्रकार से ब्रजवासी मेरे लिए वियोग के अंदर जल रहे हैं। उद्धव अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। वह कृष्ण से कहता है कि इन मिथ्या आडंबरों में जो आप डूब रहे हो, ये गलत है। मैं उन्हें जाकर के सगुण भक्ति से निर्गुण भक्ति के अंदर ढाल सकता हूँ, ब्रह्मा की भक्ति के लिए बाध्य कर सकता हूँ। कृष्ण उद्धव के घमंड को दूर करने के लिए उसे भेज देता है जाकर के उद्धव के किस प्रकार से गोपियों को समझाता है। अनेक तरह से समझाने के बाद भी गोपियां उनके ब्रह्मा को नहीं जान पाना चाहती हैं और अंत में गोपियां उसे कहती हैं कि आप ये कहते हैं कि हम गोपियां, हम स्त्रियां अपने वस्त्र उतारें, पहाड़ों पर चली जाएं, राख रमाएं, एक पांव को दूसरे पांव पर रख के ऊपर हाथों को करके और फिर ब्रह्मा को याद करें, हम उस सगुण को कैसे भूल सकती हैं जिस सगुण ने हमारे साथ क्रीड़ाएं की हूँ, जिसने इस समाज को बचाने के लिए अनेक तरह की लीलाएं की हूँ, उसको हम नहीं भूल सकते। वे अपना तर्क देती हुई किस प्रकार से कहती हैं, जरा सुनिए। पहला उनका तर्क है, हमारे जो यहाँ शीर्षक लिया गया है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, जिसमें पहला पद दिया गया है हमारे हरि हारिन की लकड़ी, हमारे हरि हारिन की लकड़ी। कहना चाह रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से हरियल पक्षी अपने पंजों में हमेशा हरी लकड़ी को पकड़ करके रखता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे लिए श्री कृष्ण हैं। हम भी श्री कृष्ण को इसी प्रकार से पकड़ चुकी हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से हरियल पक्षी पकड़ता है। सो देखिए क्या कहती है, मन बच क्रम नंद नंदन सो उरिय दृढ़ करी चक्री, कि हमने श्री कृष्ण को मन से, बच वचन से, कर्म से, नंद नंदन सो नंद के पुत्र श्री कृष्ण को मन बच क्रम नंद नंदन सो उरिय दृढ़ करी पकड़ी, कि हृदय के अंदर कठोरता से पकड़ लिया है। जागत सोवत सपने सोतुक कहान कहान जकरी, कि हम श्री कृष्ण को ठीक उसी प्रकार से रटती रहती हैं, याद करती रहती हैं जिस प्रकार से हरियर पक्षी अपने पंजों में हरी लकड़ी को पकड़ता है। जागत जगते समय, सोवत सोते समय, जागत सोवत सपने सोतुक कहान कहान जकरी, कि हम जगते समय, सोते समय, उठते समय, बैठते समय, हर स्थिति में श्री कृष्ण के ही नाम को जपती रहती हैं। हे उद्धव, तुम हमें जो ज्ञान की बातें बताना चाह रहे हो, उन ज्ञान की बातों के बजाय हम ये कहना चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण को ठीक उसी प्रकार से अपने मन के अंदर अपना चुकी हैं जिस प्रकार से हरियर पक्षी हरी लकड़ी को पकड़ के रखता है। इस प्रकार से जब गोपियां उन्हें कहती हैं तो वे कहते हैं जो श्री कृष्ण हैं वे हमारे लिए इस प्रकार से अलग नहीं हो सकते,
पहले छंद के अंदर आपने इस प्रकार से कहा, दूसरे पढ़ चुके थे आप इसको कक्षाओं के अंदर, थोड़ा इसको समझाया गया। अब ये कहना चाहती हैं कि जागत सोवत सपने सो तो काने काने जकरी। हम तो आपसे एक निवेदन करना चाहती हैं कि जिस ब्रह्मा की भक्ति के लिए आप हमें कहना चाहते हैं, उस ब्रह्मा की भक्ति के लिए बात मत कीजिए। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण को हर तरह से अपना चुकी हैं। अंत में गोपियां उन्हें समझाती हुई छंद के माध्यम से कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के बिना किसी भी कीमत पे नहीं रह सकते, क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वे हमारे लिए अत्यधिक प्रिय हैं। तुम्हारी ये योग संदेश की बातें हैं ये हमें ठीक उसी प्रकार से लगती हैं जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है। हे उद्धव, आप जो हमें योग की बातें कर रहे हैं ये मत कहिए, हमने न तो आज तक इस योग से संबंधित कभी सुना है, नहीं कभी देखा है और नहीं कभी हमारी ये रोग हुआ है। अंत में गोपियां छंद के अंत में कहती हैं कि उद्धव ये तो उनको ले जाकर के दीजिए जिनका मन चक्री है। अर्थात गोपियां अंत के अंदर जिन व्यक्तियों का मन स्थिर नहीं होता उन लोगों को ले जाकर के यह बीमारी दीजिए, अर्थात योग संदेश ले जाकर के दीजिए। इस प्रकार से पहले छंद के अंदर गोपियों ने उन्हें समझाया। फिर दूसरा छंद जो दिया गया है उसके अंदर होता यह है कि गोपियां काफी समझाने के बाद, गोपियों के द्वारा काफी कहने के बाद भी उद्धव नहीं माने। उद्धव ने दूसरी तरकीब सोची कि किस प्रकार से इनको ब्रह्मा की भक्ति के लिए बाध्य किया जाए। वे कहते हैं ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप कृष्ण को हरियल पक्षी की भांति नहीं छोड़ सकती, पर मुझे एक चीज तो बताइए कि जब तक आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी तो कृष्ण की भक्ति करने से फायदा क्या है। गोपियों को जब उन्होंने कहा कि मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, तब वे उनसे कहती हैं कि मोक्ष प्राप्ति, हम मोक्ष के लिए कह रहे हैं, तो सुनिए किस प्रकार से। हम तो दोनों भांति फल पायो, गोपियां कहती हैं दूसरे छंद के अंदर, हम तो दोहों भांति फल पायो, हम तो दोहों भांति फल पायो। क्या कहती हैं, हमें तो दोनों प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है, दोनों ही प्रकार से फायदा होगा। कैसे, हम तो दोहों भांति फल पायो, जय ब्रजनाथ मिले तो नीको नातर जस गायो। कि यदि हमारे भक्ति करने से श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो गए तो हमारी भक्ति सफल होगी। जय ब्रजनाथ मिले तो नीको नातर जस गायो, और यदि हमारी भक्ति करने से श्री कृष्ण हमें नहीं मिले तो जस, जस यानी यस, कि श्री कृष्ण के नाम के साथ साथ हमारे नाम का भी उच्चारण किया जाएगा, इससे हमें भी यश की प्राप्ति होगी। जय ब्रजनाथ मिले तो नीको नातर जस गायो, जो और यदि ये नहीं भी मिलते हैं तो भी हमें दोनों प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। कह वे गोकुल की गोपी सब वरन हीन लघु जाति। अरे कहा तो हम गोकुल की गोपियां हैं जो सभी प्रकार से वर्ण से भी काली हैं, रंगहीन हैं और जाति से भी छोटी हैं। सब वर्णहीन लघु जाति, कह वे कमला की स्वामी, और कहां वे कमला के स्वामी, कमला लक्ष्मी के स्वामी विष्णु। क्या कह रहे हैं कि कहां वे कमला के स्वामी विष्णु जी, कहां तो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी बैठी हुई है, और कहां हम गोपियां जो श्री कृष्ण के साथ रह रही हैं। कह वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, कह वे निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते वे घोष निवासी। क्या कहा कि निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते वे घोष निवासी, जिसको प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी ध्यान मगन होकर के और ध्याना चाहते हैं, वे भी ते वे घोष निवासी कि वे उसको अगोचर, वे उसको नहीं पहचान पाए, वे ऋषि मुनि भी उस ईश्वर को नहीं पहचान पाए। ते भय घोष निवासी, वे ही श्री कृष्ण
हमारी अहीरों की नगरी के अंदर आकर के हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हमारे घरों के अंदर बसना चाहते हैं। ता ऊपर अब साँझ कहो दो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, यदि तुम अब भी हमसे ये पूछना चाहते हो कि मुक्ति अर्थात मोक्ष किसकी दासी है, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो मोक्ष हमारे लिए स्वयं आ रही है, हम भाग्यशाली हैं, या जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी ध्यान मगन होकर के प्राप्त नहीं कर सके, अगोचर जो नहीं जान सके, उनको मोक्ष प्राप्त हुई है। ता ऊपर साँझ कहो दो मुक्ति कौन की दासी। अंत में गोपियों ने कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जोग कथा ना कहो बारंबार। हे उद्धव, हम आपके पाँव लगते हैं, पाँव लगकर के आपसे कहती हैं कि आप हमें बार बार योग की कथा मत सुनाइए। अंत में गोपियों ने कहती हैं कि सूर्य श्याम तज और भजे जोता की जमनी छा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कहना चाहते हैं कि यदि जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर के किसी अन्य इष्ट देव की या अन्य किसी देवता की भक्ति करना चाहता है, वह अपने साथ ठीक उसी प्रकार से धोखा कर रहा है जिस प्रकार से कोई माँ से जन्म लेकर के और अपनी ही माँ के साथ धोखा करता हो। मैं भी श्री कृष्ण के लिए ऐसा ही कहता हूँ कि उसको छोड़ करके और अन्य किसी की भक्ति करता है, वो स्वयं के साथ ऐसा ही करता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपने इस प्रकार से जानकारी ली सूरदास जी के बारे में। अन्य जानकारी आपको अगले वीडियो में दी जाएंगी। धन्यवाद।